इस वीडियो में बात करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो पब्लिक अकाउंट है उसे प्राइवेट अकाउंट में स्विच कैसे करें, कन्वर्ट कैसे करें और प्राइवेट अकाउंट में स्विच करने से क्या बेनिफिट होता है। तो अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर से और अपने अकाउंट को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर में पब्लिक और प्राइवेट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, पब्लिक अकाउंट, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक पब्लिक अकाउंट है तो ऐसे में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो भी कुछ पोस्ट करेंगे, चाहे फोटो, वीडियो, रील्स, कुछ भी करेंगे, तो ऐसे में कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक आपके इंस्टा अकाउंट पर विजिट करके सारी चीजें देख सकता है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। आपने क्या चीजें पोस्ट की है, फोटो वीडियो किस टाइप का आपने शेयर किया है, किस टाइप का आपने रील्स अपलोड किया है, सब कुछ देख सकता है। यहाँ तक कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कौन कौन से फॉलोअर्स हैं, ये भी चीजें देखी जा सकती है। बट अगर आपका अकाउंट प्राइवेट अकाउंट में स्विच किया हुआ है तो ऐसे में आप जो भी कुछ पोस्ट करेंगे अपने अकाउंट पर कोई भी थर्ड पर्सन नहीं देख पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी ने फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है और आपने उसे एक्सेप्ट कर रखा है तो वो फ्रेंड्स, वो बंदा आपके इंस्टा प्रोफाइल को चेक कर सकता है और आप जो भी वहां पर अपलोड करेंगे, पोस्ट करेंगे, वो देख सकता है बिल्कुल ही आसानी से, कौन कौन से आपके फॉलोअर्स है ये भी चीजें चेक कर सकता है। तो यही कुछ डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट अकाउंट में। मुझे उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे। बट अब बात करते हैं हम अपने पब्लिक अकाउंट को, जो इंस्टाग्राम का पब्लिक अकाउंट है, उसे प्राइवेट अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए ले चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट को प्राइवेट अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कीजिए तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइवेट अकाउंट को इनेबल कर देना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एरर आ चुका है। अब अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे बिजनेस अकाउंट कांट बी प्राइवेट, तो आप इसे ओके कर दीजिए। उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले पेज पर ही जब आप ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे एक ऑप्शन दिखेगा स्विच अकाउंट टाइप, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू पर्सनल अकाउंट। आपको सिंपल करना क्या है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्विच कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप स्विच करेंगे तो आपका जो बिजनेस अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हो चुका है। अब आप नीचे फिर से सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले पेज पर आइए और यहाँ पर अकाउंट प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए और अब यहाँ पर प्राइवेट अकाउंट जो है इसको इनेबल कीजिए, तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो रिव्यू फॉलोअर्स पर क्लिक करके रिव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनेबल रहने दीजिए। बस इतना ही करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन योर अकाउंट इज पब्लिक योर प्रोफाइल एंड पोस्ट कैन बी सीन बाय एनीवन ऑन और ऑफ इंस्टाग्राम इवन इफ दे डोंट हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा व्हेन योर अकाउंट इज प्राइवेट ओनली द फॉलोअर्स यू अप्रूव कैन सी व्हाट यू शेयर इंक्लूडिंग योर फोटोज और वीडियोज ऑन हैशटैग एंड लोकेशन पेजेज एंड योर फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग लिस्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, जो पब्लिक अकाउंट है, उसे प्राइवेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग अच्छी तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट को, जो पब्लिक अकाउंट है, उसे प्राइवेट अकाउंट में कन्वर्ट कर पाएंगे और इसका प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, या फिर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।